विश्व रिकॉर्ड तोड़ा पाल ने नींद का। मम्मा पतली लग रही है ना, जो चाइना जा रहे हैं हम कुछ खाने के लिए। सांप ने डस लिया और धीरे 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 मैं तो सामने की बात है, उस जमीन पे पसर गई थी, उठ ही नहीं पा रही थी, तो कोई पहली बार इसको एहसास हो रहा है। नमस्कार गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। शाम के बज गए चार, तो व्लॉग अभी शुरू कर रहे हैं क्योंकि दो चार दिन की नींद थी वो सारी हो गई है पूरी, क्योंकि मैं और गोलू पाल जा रहे हैं अभी बाहर कुछ शॉपिंग करने के लिए क्योंकि कल हमें निकलना है महाराष्ट्र के लिए। तो गाइस आज की ताजा खबर, तूबा को उठते हुए पापा ने कैप्चर कर लिया। हेलो कर दो मेरी जान, हेलो कर दो। तो गाइस बहुत सारी जो दीवारें हैं पूरी काम आ रही है, अगर दीवारें ना हो ना तो हर मिनट बच्चे नीचे गिरे। सही कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ तूबा। तो गाइस हमारे जो बच्चे हैं बहुत ज्यादा बदमाश हो गए हैं, अभी तो ये छोटे हैं, अभी चीजें नहीं छोड़ रही है देखना, और क्या कुछ नहीं छोड़ रहे, मेकअप नहीं कर सकते, इतना डर रहता है कि कहीं मुंह में कोई सामान ना रख दे कोई। चलो ठीक है, ऐसी चीजें तो बच्चा मुंह में दे सकते हैं, पर ब्रश के अंदर फाउंडेशन होता है ना। तो आज का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा पाल ने नींद का। बिल्कुल, नींद पूरी करी आज मैंने, पूरी नींद। कितने घंटे की करी है? तू सोई थी रात को 11 बजे, अभी 5 बजे उठी। इतने दिन की नींद भी तो थी गुड्डू मेरी, तभी तो फेस फ्रेश। सबसे ज्यादा ये लगा लो कम सोई हूँ मैं घर में शादी वाले टाइम पे। गाइस ना मैं ना बहुत जल्दी इरिटेट हो जाता हूँ, पर पायल ने शादी इतनी बेखूबी निभाई और चुटकियों में सारे काम करवा देती है, पता नहीं लगता। इसके पास सारे कॉन्टेक्ट नंबर है, हलवाई से लेकर डीजे वाले तक सबके नंबर इसी के पास है। सिलेंडर वाला, डीजल वाला, सब। तो ये घर की हमारी माँ है, माँ। तो तूबा का ये स्टाइल बहुत फेमस है बैठने का। तूबा इधर देखो, तूबा। अच्छा, तूबा ये सोच रही है कि इन सबके पास कुछ ना कुछ मम्मी का मेकअप है तो मैं क्यों ना लूं। यहाँ बैठी थी, यहाँ से देखो लिपस्टिक उठाई है, लड़कियाँ अपनी चीजें उठाती है ना, ये गोली डाल दी उसमें। तो गाइस जिसने गाना अब तक नहीं सुना जाके सुन लो, होली का गाना बहुत ही प्यारा है, यहाँ पे लिंक है, जाके डिस्क्रिप्शन में जाके सुनो गाना, बताओ आपको कैसा लगा। और बहुत सारे लोगों ने सुन भी लिया और अभी ट्रेंडिंग में भी चल रहा है। तूबा चल रहा है ना? हाँ जी। तो मैं गोलू को ना बहुत बारी बोल चुका हूँ गाइस कि ये वाला कलर तू पहन के दिखा, जिम में अच्छा लगता है, पर जो हमारा बेटा है ना वो ज्यादा पहनता है। सेम कलर का, सेम कलर का कॉट सेट है, बट मैंने पहना इसलिए नहीं थी क्योंकि उस टाइम पे ना मैं थोड़ा मोटी थी, अभी वेट कम कर रही हूँ ना बस। अभी कोट सेट मत पहन, ऐसे ना लोअर मंगवाए। अच्छा बैंगलोर, इस कलर का लोअर मंगवाए, का ही वो टॉप मंगवाओ। अच्छा लोअर मंगवाओ, अच्छा समझ गई मैं, आप कह रहे फिटिंग वाले कपड़े मत पहन, ऐसे लूज लूज से जॉगर्स टाइप के होते हैं। हाँ। आप ले देना, काम करो ठीक। तुम दोनों ने मैचिंग की है? हम लोग बैंगलोर जा रहे हैं कल। हाँ। तो जितने भी लोग हमें इस ब्लॉग में देख रहे हैं, अगर आप लोगों को मिलना है हमसे तो आप हमें मैसेज जरूर करें। बिल्कुल, और हम जहाँ भी होंगे बैंगलोर में स्टोरी डाल देंगे होटल की, होटल के बाहर मिल लेना, थोड़ी सी बातें करेंगे, वार्तालाप करेंगे। और बैंगलोर का तापमान आप देख के बताओ कितना है बैंगलोर का। तो गाइस हमारे पीछे बैठी है भाभी, तो भाभी की शादी हो गई है, बच्चे हो गए, सारी रस्में हो गई है। तो भाभी कमेंट करके गाइस आप बताना इनको कहाँ जाना चाहिए। तो मैं तो कह रहा हूँ वैष्णो देवी जाओ या फिर आप जाओ शंकर भगवान जी के वहाँ पे, केदारनाथ या बद्रीनाथ। बद्रीनाथ है, केदारनाथ। चलो ठीक है, तीनों में से एक चीज आप कमेंट करके बताना। और ये ना यहाँ से पैदल जाएंगे फिर वहाँ तक, ठीक है? अच्छा 20 दिन का सफर हो, ठीक है, डन है? पैदल, डन। तो गाइस इतनी आज्ञाकारी बीवी है मेरी, दोनों की दोनों। मैंने कलर का नाम लिया, गोलू ने फटाक से कलर पहना, ये देखो सुंदर भी लग रहा है, ऐसी बात नहीं है ना। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, तब मैंने जिम के भी ऐसा सेम अपना पूरा सेट मंगवाया था, तब भी मैंने पायल को बोला था, मैंने की ये इनका फेवरेट कलर है, इसलिए मैंने बॉडी सूट मंगवा के रखा था। तो मैंने ना 10-15 दिन ना संन्यास ले रखा था ब्लॉगिंग से, बिल्कुल ही, मतलब मैं बहुत कम दिख रहा था, बहुत सारी चीजें और भी कर रहा था। तो मैंने बोला पायल को मैं दोबारा ब्लॉगिंग कर रहा हूँ तुम्हारे साथ। और एक बात बताऊँ, लोगों को आपके साथ ब्लॉगिंग में मजा आता था। अच्छा, मेरी आवाज सुनने में, आवाज सुनने में जिस तरीके से आप ब्लॉगिंग करते हो, हम तो कैसे भी कर लेते हैं, आप प्रोफेशनल ब्लॉगिंग करते हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गिड़ी। तो गाइस हम लोग हो चुके हैं रेडी और निकल रहे हैं मॉल के लिए, और सच में बड़ा अच्छा लग रहा है टी शर्ट पहन के, बिल्कुल फिटेड आई है। और मैंने ना भी थोड़े दिन, क्योंकि ना पहले मैं बॉडी सूट पहनती थी, फिर प्रेगनेंसी में मोटी हो गई तो पहनना छोड़ दिया। पर जी को आज मम्मा पतली लग रही है ना, जी को सच बताए भगवान की कसम हुई जी को, ऐसे नहीं चल रिश्वत ले रहा है मम्मी से चल। तो गाइस हम निकल चुके हैं घर से, हमारे साथ चीकू भी है, और कल चीकू के साथ पोपट हो गया क्योंकि कल हम एक मूवी देखने गए थे शैतान, उसमें चीकू जैसा बच्चा था, पता चीकू? हाँ जी। सुंदर सा बच्चा था तेरे जैसा, और मूवी बहुत ही कमाल की थी। उस मूवी में यही सिखाया गया कि चीकू बाहर का कुछ भी मत खाओ, कोई आपको कुछ भी देना हमेशा उससे बोलो नहीं मेरे को नहीं खाना, सॉरी बोल दो, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोल के बस खत्म। तो भाई हम आए हैं आज फैमिली टाइम करने के लिए, काफी दिन हो गए थे हमने ना ढंग से कुछ चटपटा नहीं खाया था, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज है खाने के लिए। तो सबसे पहले खाने से शुरुआत करेंगे, फिर देखेंगे यहाँ का एमिनेंस कैसा है और ये यहाँ पे क्या क्या है क्या नहीं है। तो अभी अरमान जी जो है ऑनलाइन अपने कपड़े सिलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें जाना है।
कर्नाटका, तो ऑनलाइन ही शॉपिंग करते हैं जितना भी करते हैं वो, जाके हमारे पास टाइम नहीं होता करने का। हम भी जितने भी कपड़े मंगाते हैं ऑनलाइन मंगाते हैं। तो चिकू कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है मम्मा। मैं जहाँ हमें जाना है ना, जहाँ हमें जाना है वहाँ का टेम्परेचर गाइस मैं चेक करूँ, वहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी है। लगा लो जगह अभी नहीं बताऊंगी पर इतना बता देती हूँ, वहाँ पे दोपहर के टाइम टेम्परेचर होगा 35 डिग्री, मतलब यहाँ के हिसाब से फुल धूप। मतलब हमें वो लेके जानी पड़ेगी सनस्क्रीन बहुत सारी। तो गाइस इतनी चीजें हैं ना जीरकपुर में, मतलब सबसे बड़ी बात है एम्बियंस, माहौल, और गर्मी नहीं है यहाँ पे, इसलिए ना हमारे यहाँ पे इतना ज्यादा दिल लगता है ना, मतलब कमाल है। और जहाँ पर अभी हम आए हैं ना वहाँ पर इतनी सारी दुकानें हैं, इतनी सारी चीजें हैं, खा के दिल खुश हो जाएगा। बहुत सारे स्टॉल हैं यहाँ पे। चलो आपके लिए जबरदस्त ऑमलेट बनाऊं? बनाइए आप। नहीं नहीं मैं बनाऊंगी, तू बनाएगी, मैं बनवाऊं? हाँ बनवा दो। बोलियो कोई ऑयली वॉयली ना हो ना। मैं समझ गई, वहाँ पे फ्रूटी का कुछ लिखा हुआ है। तो गाइस खाने का यहाँ पे इतना कुछ है ना कि खाने से पहले क्या खुशबू है, बहुत मजेदार खुशबू है। तो मैं जा रही हूँ चाइना, चाइना से खाऊंगी जो मुझे खाना होगा। चाइना जा रही तुम्हें छोड़ के, तू भी तो साथ ही चल रही है मेरे, ये तो चिमकी रहती है पके रहा। जो चाइना जा रहे हैं हम कुछ खाने के लिए, इतना ज्यादा कलरफुल है ना, कमाल का है, कुछ नई चीज है वहाँ पे, वो मैं देख के आता हूँ। बहुत सारे लोग फोटो वोटो खींच रहे हैं। अरे प्लेट में कुछ था, कहाँ गए ये? भैया मेरा ऑमलेट था जो मैंने खा लिया। सबसे पहले आपका आया ना? सबसे पहले इनका आया और सबसे पहले इन्होंने खा लिया। और यहाँ पे सबकी प्लेटें देखो, भरी पड़ी है, भरी पड़ी है। पाल जाएगी उधर देखो, उधर देखो, और इधर देखो डाइटिंग। हम बाहर आके भी डाइटिंग कर रहे हैं, हम कुछ नहीं खाते, हम सिर्फ देखते हैं। तो गाइस पायल का बहुत ही बेहतरीन डिश आ गई है पायल के लिए, मुंह में पानी भी आ रहा है। ऑलवेज फेवरेट मक्के दी रोटी ते सरसों दा साग। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ना जो लोग देख रहे हैं ना उनके मुंह में भी पानी आ जाएगा। तो भाई पेट पूजा हो गई, अब हम जा रहे हैं काम दूजा करने। काम दूजा क्या करने जा रहे हैं? हम कर रहे हैं, जा रहे हैं शॉपिंग। और शॉपिंग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम कल जा रहे हैं बाहर, और जहाँ जाने वाले वहाँ पे है फुल गर्मी, तो हमने सोचा है काम करते हैं। 40 डिग्री टेम्परेचर है और हमने सोच रहे कि हमारे पास कपड़े तो हैं बहुत सारे, पर गोलू के पास ना पहली वाली फिटिंग वाले कपड़े जो अभी फिट नहीं है, और अभी वाली फिटिंग वाले कपड़े जो है सारी सर्दियों के हैं। तो गोलू को हम दिलाने जा रहे हैं 2-3 वन पीस, और उसके बाद जो है चीकू को थोड़ा सा वहाँ पे इंजॉय कराएंगे, क्योंकि चीकू की कल की है छुट्टी। और साथ ही साथ गोलू भी इंजॉय करेगा, क्योंकि मैंने उसे पूछा तो कभी लांटे मॉल गया? वो कह रहा चाची जी मैं लांटे मॉल नहीं, मेरे घर के पास कोई मॉल में नहीं गया। तो मैंने कहा ये चीज बहुत अच्छी है कि बच्चे जब यहाँ पे रहते हैं ना तो हमारे साथ साथ ना बाकी चीजें भी घूम फिर सकते। पहले तेरे को याद है गोलू जब हम रजौरी में रहते थे तब तो हम सारे मॉल में जाते थे, है ना? जब हम रजौरी में रहते थे गाइस तो हम सारे मॉल्स में घूमते थे। मैं तो हैमली से टॉय लूंगा। टॉय? किसने परमिशन दिया बेटा? किसने परमिशन दिया आपको ये चीज की? इसको मास्क लेना है अपनी गेमिंग के लिए। तो गाइस मैं ना डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रही हूँ चीकू की गेमिंग चैनल का, जिसने अभी तक जाके उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी आके सब्सक्राइब करो, क्योंकि चीकू इतनी कमाल की गेमिंग करता है ना, तो जाकर एक बार मेरे कहने पे जाके चेक करना, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। तो गाइस जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जाके सब्सक्राइब कर दो, और बेल आइकन पे प्रेस करके जाओ ग्रो, ताकि जब भी हमारा व्लॉग आए या फिर कुछ भी आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अच्छा हूँ। मैं समझा दिया इसको कि बाहर का नहीं खाना, और तू भी मत खाइयो। मैं बताती हूँ चीकू भाई है ना, भाई बाहर का खाता है ना, तो भाई बाहर का खाया था ना उसके लीवर में प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि हम रोज बाहर का खाएंगे तो बॉडी हमारी उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकती ना। अब बिल्कुल भी कन्नू ध्यान रखियो अपनी तबीयत का। चलो अच्छा है, भगवान की दया से। मम्मी को बोला था ना कुछ करने के लिए, मम्मा को बोलना कि हम आते ही फिर वहाँ चलेंगे, तेरे लिए बोला हुआ था कुछ। दिल्ली आएंगे पहले, तुमको लेंगे फिर हम जाएंगे अजमेर, क्योंकि हमने जैद के लिए भी बोला हुआ है ना, जब जैद बीमार था। ठीक है, ले जीजू से बात कर ले। हाँ भाई हीरो क्या हाल है? हाँ मत खाया कर, आराम कर, उल्टी सीधी चीजें। चलो सबसे बड़ी बात देखो, बीमार है ठीक हो गया, सबसे देखो जितने लोग मुझे सुन पा रहे हैं, एक ना आप ना हेल्थ इंश्योरेंस करा लो, सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे है ना। एक बार लगते हैं भाई साल के 20-25 हजार रुपए, पर आदमी को ना 5-7 लाख रुपए की बचत हो जाती है, कोई दिक्कत हो। सही बात है, मेरा भी अभी मतलब बिल, हाँ मतलब पता चलता है इंसान अगर एक महीना रहे उसका बिल लाखों से भी ऊपर चला जाता है। कितना बिल आया तेरा? मेरा तो बिल 80 हजार, मतलब सोचोगे 5 स्टार का जो होटल का कमरा होता है उससे भी ज्यादा उसका कमरा था। अच्छा 5 हजार रुपए एक दिन का। चलो ठीक है ना तू? तो गाइज हम लोग पता नहीं कहाँ जा रहे, कितना मतलब लगा लो आज का सबसे लंबा सफर रहा हमारे लांटे का, हमारे घर से हार्डली 15 मिनट लगते हैं, पर जहाँ पे हम थे ना वहाँ से मिलांटे जा रहे तो थोड़ा सा लंबा हो गया रास्ता, डबल लगा लो तो 35 मिनट्स का दिखा रहा था, अभी आगे लोकेशन खुली हुई है तो 10 मिनट दिखा रहे हैं, 10 मिनट्स में हम पहुंच जाएंगे। वैसे ये टाइम ना बहुत बड़ी है शॉपिंग करने का है पायल, इस टाइम पे कोई भीड़ भड़ाका नहीं होता, और बस ये लगा लो शोरूम ऑलमोस्ट क्लोज होने वाले होंगे, तो अगर हमें जो भी लेना होगा ना ऐसे लेना होगा फास्ट एंड फास्ट। तो पथरी का दर्द भाई ऐसा होता है जैसे अचानक से ना सांप ने डस
इसलिए, और धीरे 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 होके ऐसा हो जाता बस गोली मार दो मुझे, दर्द नहीं होना चाहिए क्योंकि मुझे भी होता। एक बार की बात है, वही चीना को दर्द हुआ था, वो मेरे तो सामने की बात है, उसका तो इतनी बार ऑपरेशन हुआ, उसको तो गॉल ब्लैडर पूरा रिमूव करा है, इतनी बार उसका ऑपरेशन हुआ, तो वो तो ऐसे जमीन पे पसर गई थी, उठ ही नहीं पा रही थी, इतना खतरनाक दर्द होता है। तो भाई पहली बार इसको एहसास हो रहा है पथरी के दर्द का, क्योंकि पहले आई तो थी पथरी पर कभी दर्द नहीं हुआ था। सुनो कोई आगे कोई भी सोडे की शॉप हो ना, सोडे की कह रही हो जो मतलब 20 मिनट 10 मिनट पहुंचाऊंगा हॉस्पिटल, कॉम्बी फिल्म का इंजेक्शन लगेगा। हाँ इंजेक्शन पेन किलर लगेगा और फिर ठीक आराम होगा। वॉवरन होता है पेन किलर का इंजेक्शन, वॉवरन मैं अभी थोड़े दिन पहले लगवा कर आई थी, बहुत पेन था। वॉवरन होता है और बहुत अच्छा पेन किलर है वो। तो भाई शरीर का कुछ नहीं बता, जितना हो सके हेल्दी खाना खाओ, हेल्दी कुछ करो। मुझे तो ऐसा लग रहा है जहाँ पे ये खा के चाउमीन वगैरह एक टुकड़े से भी हो जाता है फूड पॉइजनिंग, उससे ना होगी वो दिक्कत। नया नया खुला था वो, और क्या पता कैसे बना क्या नहीं बना, अभी डॉक्टर बता दे चेक करके, अल्ट्रासाउंड होगा तब पता लगेगा पथरी का दर्द है ये क्या हुआ। तो भाई जहाँ से हम निकले थे ना वहाँ से 7:30 निकले थे और यहाँ पे पहुँचते पहुँचते 8:30 हो गए हैं, एक घंटा लग गया पूरा। चल गोलू आ जा। चीको तू भाई के साथ घूमेगा? आप चाहे कहीं भी घूमो हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर हमें एक डेढ़ घंटा लगेगा। आज इतने दिन बाद महीने बाद आए अरमान जी के साथ हम। हाँ कम से कम ना पूरे साल की शॉपिंग कर लेंगे। नहीं उस दिन तो थोड़ी कम शॉपिंग करी थी, आज का टास्क आज इनका बिल पाएंगे। आज हम मैं सिर्फ तुम दोनों को 5,000-5,000 रुपए शॉपिंग करवा सकता हूँ, बस 5,000-5,000 में तो कुछ भी नहीं आएगा बेटा, जब तो करवा रहा हूँ। 5,000 में क्या आता है यार, अगर मैं तुम्हारे खोल के देखूँ ना अलमारी में इतने सारे कपड़े हैं ना, तुम पहनते हैं आपकी ना मेरी 15,000-15,000 नहीं नहीं पागल है, ना आपकी ना मेरी ना इसकी 10-10 बस फाइनल करो। नहीं नहीं फाइनल करो 10-10,000 बस। चलो आ जाओ। तो अभी जो मैंने टॉप पहना हुआ ना वो 800 रुपए का है, ठीक है? तो अगर मैं 10 टॉप भी लेती हूँ तो 10,000 तो हो गया, तो ठीक है। नहीं अच्छा मैं 1,000 रुपए का एस्टिमेट कर रही हूँ, 1,000 रुपए का एस्टिमेट करेगा, मैं 1,000 रुपए का एक टॉप लूंगी तो मैं 10 टॉप ले सकती हूँ। थोड़ी देर ऐसे चलते रहे, मॉल बंद हो जाएंगे। नहीं मॉल बंद होने से पहले ना बहुत सारी शॉपिंग करूंगी, फॉलो मी पाल, जल्दी जल्दी चलती हूँ ताकि मॉल बिल्कुल भी बंद ना हो जाए। तो इसे बोलते हैं जल्दी जल्दी शॉपिंग की चाहत, फटाफट भाग रही पाल उसके पीछे, मैं भाग रही हूँ। बैग रख दिया यार, मुझे ना एक बात समझ नहीं आ रही गाइस कि मुझे खुश होना चाहिए या उदास होना चाहिए, तो बता क्यों? क्योंकि यार जो मेरी जीन्स है ना वो मुझे 2 इंच लूज हो गई है, मैं 12 ऊपर कर रही हूं। सुनो हमें कोई ज्यादा ब्रांड नहीं चाहिए, हम यहाँ जाएंगे। यहाँ पे ज़ारा देखो सामने ज़ारा है ना, वो बुला रहा है मुझे। एक सेकंड आ गई, आ गई, चलो चलो लेके आ रहे हैं, इनको लेके आ रहे हैं, वो वाली ड्रेस अभी लेते हैं। आ गई आ गई, आपको बुला रहे हैं, आ गई जल्दी आओ। हां पायल चिकू बाप कह रहे हैं मेरी नजर से देखो, ओ यही वाली पैंट है जो गुड्डू लेके गए थे, यही थी ना? ये गर्ल्स की है क्या? ये गर्ल्स की है। अब गर्ल्स की पैंट लेके गए थे, वो बॉयज में अलग डिफरेंट होगा ना, ऐसा ही था कुछ। अच्छा ठीक है, कितनी अच्छी अच्छी शॉर्ट्स है गुड्डू, ये तो लेने पड़ेंगे, ये तो बोल रहे हैं आ जाओ आ जाओ। तो अब मेरे पास सिर्फ 5,000 बचे, क्योंकि 5,000 के तो जीन जीन्स है। तो भाई कितना ही बचाओ, देखो मैंने बोल दिया पहले थी क्या गोलू, अगर ये 5,000 की पैंट लेती है ना तो मैं इसी की पैंट बेल्ट लगा के पहन लूंगी, पर मैं 5,000 की पैंट नहीं लूंगी, ठीक है गोलू? मैं बेल्ट लगा के पहन लूंगी। मैं काम करती हूँ, मैं ना साइज में कंफ्यूज हूँ, क्योंकि पहले मेरे को 32 भी आता था, 34 भी आता था, मैं एक बार ट्राई करके आती हूँ। तो ट्राई कर ले, तब तक मैं अपने लिए कुछ इनसे ढूंढवाती हूँ, आप ढूंढो। तो चीकू पापा कह रहे ये सेट ले ले, ठीक है जी। हाँ बढ़िया लग रहा है। तो गाइस मुझे तो कुछ ज्यादा पसंद नहीं आ रहा अपने लिए। अरे वाह क्या कलर लेके आया चीकू पापा, पहन के आऊँ? हाँ। ठीक है मैं ये पहन के आती हूँ, तब तक गोलू भी आने वाले, क्योंकि गोलू को देके जाती हूँ कैमरा और मैं ये ट्राई करके आती हूँ। बात बोलो अच्छा होने, ट्राई करा, कभी भी महंगी चीज दो ना बिना ट्राई कर। मतलब वो जो पैंट थी ना, मेरा ना एक्चुअली टमी है, सी सेक्शन के बाद एक टमी तो होगा ही, तो वो जो पैंट थी ना यहाँ आ रही थी मुझे, लो वेस्ट थी बिल्कुल। तो इसका मतलब हम लो वेस्ट नहीं पहन सकते, हाई वेस्ट पहन सकते हैं। ठीक है पापा ने ये लिया, एक काम कर इसी में तू अपने लिए एम ले ले, मैंने ये स्मॉल लिया है ना, पे है कलर। हाँ तो तू एम ले ले इसको, हमारे पास दोनों वन पीस एक और भी ना ऑरेंज वाला, सेम सेम। हाँ शिमर वाला भी ऐसा ना, हाँ 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 ऐसे डिजाइन है। वाह बोलो ये भी अच्छा लग रहा है, चिकू पापा निकाल के लाए। और तुझे वन पीस ही चाहिए था ना, तो वन पीस निकाल के ले आए वो। ठीक है ये ले लेती हूँ, ये अच्छा लग रहा है भाई। वहाँ पे आप देख सकते हो अरमान जी ना नए नए डिजाइन निकाल रहे हो, और सच में ये डिजाइन तो ये डिजाइन उससे ज्यादा अच्छा है, ये डिजाइन ज्यादा अच्छा है, ये ज्यादा अच्छा है, ये ले लेते हैं। ठीक है ये ले लेते हैं, ठीक है। तो गाइस हम लोगों ने ट्राई कर लिया है, मैं बाहर जाके आपको लुक दिखाती हूँ, एक बार ये शीशे में दिख जाएगा बनाई हो। तो ये एक ये ट्राई कर रहा है, ये वाला ट्राई किया उन्होंने, दोनों पे सेम अच्छा लग रहा है, बड़ी खुशी मिल रही है। मैंने मीडियम पहना है, मैंने स्मॉल पहना है। हां पहले मैं एक्स्ट्रा स्मॉल पे थी, अभी स्मॉल, ये हमें वहां से, यहां से वहां से देखो, वहां से देख रहे थम्स अप कर रहे वो पैंट, पैंट को ऐसे नापते हैं, इसको थोड़ी नापते यार, मुझे कैसे पता चलेगा, मेरा मन नहीं कर रहा ट्राई करने का, लग रहा है आ जाएगा, आ जाएगा सुंदर लगेगा। एयरपोर्ट पे कल पहन लेंगे, हां दोनों एयरपोर्ट पे यही पहन के जाएंगे, ठीक है ठीक है। मैंने भी ले लिया अपने लिए, तू भी ले। इसके साथ व्हाइट कलर का टॉप लेना है बस। कौन सा? ये स्पेगेटी। हां ठीक। तो मैं आज ना पायल को कह रहा था कुछ ना ब्लू ले ले, ब्लू ब्लू मुझे ना बहुत पसंद है, ये वाला ब्लू भी अच्छा लग रहा है मुझे, ये भी अच्छा लग रहा है। ये कॉट सेट हो गया। हाँ। है ना, और वो जैसे कहीं हम किसी इवेंट में जाएंगे तो वो हो गया।
तो अभी तो हम वहाँ जा रहे हैं ना, उसके अकॉर्डिंग आपने जो ड्रेस लाई वो बिल्कुल परफेक्ट है, तो फिर मैं कुछ और देख रहा हूँ। तो गाइज अरमान जी गोलू आप बिलिंग करा रही है, मुझे कह रहे कि मैं तब तक तुम दोनों के लिए कुछ और लेता हूँ एंटीक एंटीक सा। तो यहाँ पे देखो जारा के इयररिंग्स इन्होंने देखे हैं और कह रहे हैं ये कुछ एंटीक सा है। तो भाई यहाँ पर 24,000 रुपए का बिल करवा दिया है लड़की ने, 24,700 का। तो गाइज 4,700 रुपए एक्स्ट्रा हो गए, 20,000 की बात हुई थी, 20,000 की बात हुई थी ना, 10-10-20, 4,700 ज्यादा हो गए। काम करना अगली बार शॉपिंग में 4,700 काट लेना, मैं इतना इतनी हेक्टिक नहीं लेती कैसे ये वो ज्यादा कर दिए, कोई बात नहीं, 4,700 की बात है, मैं कटवा लूंगी अगली बार अगले साल की शॉपिंग में। या आपको याद ना रहे तो हम याद रहेंगे, क्योंकि हम अपने वादे के पक्के इंसान है, मुझे सारी चीजें याद रहती है, मैं भूलने वाला नहीं हूँ। तो गाइज दो चार चीजें तो हम लोग आपको दिखाई नहीं पाए, एक तो दो जॉगर्स लिए मैंने पहले ब्लैक कलर के, और मेरा आज ही मन था जॉगर लेने का। मैं बोल रही थी मैं एयरपोर्ट पे जॉगर पहन के आऊंगी, साथ में हमने क्रॉप टी शर्ट ली है ग्रीन कलर की, और उसके साथ साथ ना दो शर्ट ली है जो कि मैं और पायल बहुत ज्यादा पहनते हैं। तेरे पास मेरे पास है व्हाइट शर्ट ब्लैक शर्ट दोनों के पास, उसका उसका कौन सा ग्रीन, ऑलिव ग्रीन, उसका हम ग्रीन कलर लेके आए हैं, ऑलिव ग्रीन, मैं घर जाके दिखाती हूँ। तो हम लोग ना फिरोजकी के आउटलेट के बाहर खड़े हुए, और यहाँ पर पता है बहुत सारी चीजें पसंद आई हमें, एक नेक पीस पसंद आया, पायल को वॉच पसंद आई, वॉच को वॉच पसंद आई, बड़ा सुंदर सुंदर, तो हमने सोचा एक काम करते देख के ना मन भर लेते हैं और कुछ लेंगे नहीं। तो ऐसे बाहर भी बहुत सारी चीजें लगी हुई है, 11,000, 10,000, 20,000, सब कुछ बहुत सुंदर है। तो गाइज अभी आ गए हम हैमले में, और हैमले कैसी जगह है ना जहाँ पे सारे बच्चे इतना खुश हो जाते हैं, मतलब बच्चे पूरा दिन हैमले में खेल सकते हैं। वहाँ पे चीकू के पापा क्या कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हो क्या? मैं ये बोल रही हूँ कि अगर सोचो यार बच्चे हैमले में पूरा दिन रह सकते, चीकू है पूरा दिन, यहाँ पे टॉयज खत्म ही नहीं होते, खत्म भी नहीं होते, महंगे भी बहुत ज्यादा, बहुत महंगे है, क्वालिटी मैटर करती है ना, क्वालिटी मैटर करती है। तो यहाँ पे अरमान जी ने पता नहीं कौन सा यंत्र पकड़ा अपने हाथ में, और ये ना बॉल कुछ वाला है, और चीकू को पूछ रहे तुझे खेलना है, और चीकू भी बहुत अच्छा खेल रहा था ये। तो मैंने कहा ठीक है देखते हैं कि लेंगे कि नहीं लेंगे, अब चीकू के पापा के ऊपर बात आती है कि वो लेंगे, और बहुत अच्छा खेल रहे हैं, सच में बहुत अच्छा खेल रहे हो, वेरी नाइस वेरी गुड। तो यार हम पहली बार हैमले आए हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि अपने तीन बच्चों के लिए और कुछ भी ले लेती हूँ, क्योंकि एक बच्चे के लिए तो हमने ले लिया, तो तीन बच्चों के लिए चीकू के पापा को बोलती हूँ वो कुछ सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि चीकू के लिए भी इन्होंने सिलेक्ट किया है, चीकू के लिए सिलेक्ट कर लिया चीकू के पापा ने, ये जो भी गेम खेल रहे थे वही वाला। अब तीन बच्चों के लिए और लेना है, सुनो आपके घर में तीन बच्चे और हैं, उनके लिए लो कुछ, वो अभी छोटे हैं उनके लिए कुछ नहीं लेना अभी, ठीक है एक चीज ही खाती, तो मेरे साथ चल आ जा, चल रही क्या कह रही है, चीकू का स्कूल ओपन होंगे ना यहाँ से लंच लेके जाएंगे, ठीक है मेरे को अच्छा लगेगा, लंच बॉक्स देखना, ये वाला भी अच्छा है, ये वाला भी अच्छा है, ये भी क्यों, ये भी अच्छा है देख लो, हाँ ये भी अच्छा है, नेम इसमें नेम भी लिखवा सकते हैं, तो ठीक है हम चीकू की न्यू क्लास में लेके जाएंगे, नेक्स्ट में हम चिरायू में लेके खा देंगे। बोलो अपनी तूबा जब स्कूल जाएगी ना, इधर देख मैंने उसके लिए बहुत अच्छी चीज देखी है, ये देख अपनी तूबा के लिए ये लेंगे स्कूल बैग, इतना सुंदर सा है ना, अभी तो तूबा है ही, पिंकी पिंकी जितना बैग है, तूबा इसी के अंदर आ जाएगी, मेरे को पता है। तो गाइस हमारी शॉपिंग तो हो गई है, अब हम एक शूज देख रहे हैं, क्योंकि जिम के लिए ना शूज हमारे पास नहीं है, तो यहाँ पे देखते हैं, हम आए हैं एसएस पे, यहाँ पे देखते हैं कौन सा शूज हमें पसंद आता है। तो गाइस फाइनली शॉपिंग हो गई डन, और ना जूते ले रही थी मैं लक्ष्य के लिए, बट ना जो जूते मुझे पसंद आते उसमें साइज नहीं था, तो हमने सोचा एक काम करते हैं, हमारे घर के पास बहुत सारे ना शोरूम है कॉस्मो है जहाँ से मैं अपने जूते लेती रहती हूँ, तो वहाँ जाऊंगी अपने लिए भी जूते ले लूंगी, साथ साथ लक्ष्य के लिए भी ले लूंगी। तो बस अभी निकलते हैं घर की तरफ, और कुछ खाया पिया नहीं, बस शॉपिंग बहुत बढ़िया हुई। तो गाइस अभी अभी ना गड़बड़ भी हो गया ना, मॉल में हम शॉपिंग कर रहे थे ना, इसको हल्का हल्का ना दर्द हो रहा था पायल को, तो मुझे ऐसा लग रहा है ना इसको शायद पथरी का दर्द हो रहा है, क्योंकि इसकी जो पथरी थी वो गॉल ब्लैडर में 10 mm की आई थी, मैंने रिपोर्ट्स भी दिखाई थी उस टाइम पे जब हमने चेक कराया था। तो पायल बोल रही गोलू कंटिन्यू ना पेन सा और है, आ रहा है जा रहा है आ रहा है जा रहा है, तो थोड़ी देर पहले तो कम था अब पेन बढ़ गया है, डॉक्टर के पास ले चलो देखो है, ले जाना पड़ेगा। हाँ पायल तो सीधा पहले डॉक्टर के पास चलो फिर, ठीक है। अभी जस्ट गोलू से बात हुई है, गोलू कह रहा है कि ना क्योंकि भाभी कोई पथरी का ही सेम आपको पता है ऑपरेशन हुआ था, तो कह रहा है कि ना चाची जो सोडा पीते हैं ना जिसमें गैस होती है तो वो पी लो उससे ठीक हो जाएगा, फिर हम एक काम करते पायल पेन किलर भी लगा ले डॉक्टर के पास भी चल लेते हैं, और अभी रस्ते में देखते हैं निकलते कहाँ पे सोडा मिलता है, ठीक है ठीक है। और चीकू के पापा ना इतने दिन से बोल रहे हैं कि गोलू पायल वही लापरवाही बिल्कुल मत करो, अपना पथरी का काम करवा लो, हम उस दिन चेक तो करवा लेते, उन्होंने बोला क्योंकि डॉक्टर बोल रहे हैं कि ना अभी आपको ऑपरेट कराने की जरूरत नहीं है, बट देखो मुझे मना गया ना, करवाना पड़ेगा, सही बोल रहे हो आप करवाना पड़ेगा, क्योंकि कब दर्द हो जाए उस टाइम पे कोई हॉस्पिटल ना हो, कोई हमारे पास ऐसी जगह पे हो जहाँ पे भाई हम दवाई नहीं लेके आ सकते, तो बहुत तकलीफ की बात है, करवाते हैं इसका काम। यार मुझे अब डर लगता है ऑपरेशन ऑपरेशन से, तो भाई पथरी तो निकलवानी पड़ेगी, कोई दवाई पूछ रहा वो कहते ना आयुर्वेदिक जिससे अपने आप खत्म हो जाती है, पता कर लो, चलो मैं पूछूंगा डॉक्टर से। तो भाई आज ऐसा ब्लू ब्लू का नाम लिया, सबने ब्लू डाल रखा, इसने ब्लू डाल लिया, उसने ब्लू डाल लिया, ऐसे लोग हैं पूछो मत, ये देखो ये भी ब्लू डाल, मैंने सबसे पहले मैंने डाला, हाँ, नहीं सबसे पहले जैद ने डाला, सबसे पहले जैद ने डाला था, जैद का कलर देख के मेरे को जैद के साथ ट्विनिंग करने
का मन करा क्योंकि मेरे पास सब मेरे को देख के चीकू ने मेरे साथ ट्विनिंग करी। भाभी ने ना आज तक ना वन पीस नहीं डाला, तो जो मैं कपड़े लेके आऊ ना गोलू के नाप के, तो मैं सोचा भाभी को पहना एक बारी वन पीस। भाभी को मैं काम करती हूँ, जो मैं कपड़े लेकर आई हूँ ना वो तो भाभी को मेरा वाला साइज नहीं आएगा। वन पीस पहना, मैं अपना वाला वन पीस बनाती हूँ और ऐसा वन पीस बनाऊंगी थोड़ा सा लॉन्ग भी लगे और अच्छा भी लगे। भाभी फटाफट ना वन पीस पहन के दिखा दे, नई बहू बन जा। हमारे सारे देखेंगे इनको, काम करेंगे ये वन पीस पहन के ना भाभी, तना मंदिर के लिए जाना बाहर डिनर करने, ठीक है? भाभी ये वन पीस ना मेरे को आया था बट फिर मैंने पहना नहीं, बड़ा। गाइस मैं एक बात बताने वाला हूँ, ये जिंदगी का रिकॉर्ड होगा, भाभी पहली बार वन पीस पहन रही है ना। बिल्कुल है ना, पैर क्या भेजा तो बाल आ जा होशियार, तो आपके सामने आ गई है भाभी। अरे भाभी क्या बात है, लगी ना तुम्हारी शादी को 15 साल हो गए ना। हाँ, 15 साल नहीं हुए, 13 साल होंगे अब। भाभी 2 साल एडवांस किया दिए, कोई गलती होगी? एडवांस नहीं, पूरी। हाँ, मंदीप की कॉल कर, मंदीप ने दिखा, काम करो मंदीप भी घूमना, बाहरों फूल। मंदीप भैया को कॉल करते हैं और ऊपर बुलाते हैं, फिर भैया का रिएक्शन लेते हैं। मंदीप है ही नहीं यहाँ पे, बाहर गया, वीडियो कॉल पे दिखा। भाभी बाल असली है? असली है भाभी, मेरे अगर इतने बाल हो जाए ना मुझे जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए। मेरे पास सब कुछ है, सब कुछ। एक काम करना, बाल नहीं है। हम लोग तो जा रहे हैं कल कर्नाटका, आप और लक्ष्य ले जाना और बालों में ना प्रोटीन दबा के आ जाना, ठीक? भैया आज मैं आपको एक ऐसी चीज दिखाने वाली हूँ ना, आप उस चीज को देख के हैरान हो जाओगे। आप बोलोगे क्या चीज, कट पीस, क्या चीज कमाल की भगवान ने बनाई है। चलो भैया ऐसे बोलेंगे क्या चीज कट पीस। अच्छा एक काम करो, पहले अपनी आंखें बंद करो तो देखेंगे कैसे। आंखें खोलो, या कौन है भाभी? या कौन है यार, आतवाड़ी लुगाई है। हाँ भाई लुगाई से भाई, कोई नया मेहमान दिखा भाई मंदीप है। ये कपड़े पर आके ना गांव में जाना तने। अरे भाई साहब मेरा इतने लठ मार दे गांव वाले। क्यों मार देंगे बता, इसमें बुरा क्या है? नहीं बुरा तो नहीं है, लेकिन गांव वाले बुरा सोचते हैं। मंदीप भैया हमने ना भाभी ने बोला था कि कहाँ घूमने जाना है, तो भाभी कह रही थी कि मैं वैष्णो देवी जाऊंगी। मैंने कहा ठीक है, यहाँ चंडीगढ़ से सीधा वैष्णो देवी, और वो भी पैदल जाना है, पहले जाना पड़ेगा आप दोनों को। बिल्कुल चले जाएंगे हम चंडीगढ़ से वैष्णो देवी का टूर पूरा ब्लॉगिंग में दिखाना, पैदल पैदल चले जाएंगे भाई जी, पैदल। हरिद्वार तो मैं 12 बार आ रहा हूँ, तो वैष्णो देवी दूर थोड़ी है, 650 किलोमीटर जाना है और डेली ब्लॉगिंग बना के लोगों को दिखाना है कि भाई देखो। ठीक है डन, तैयार हूँ मैं। ओके भाभी तैयार है, हमारी छोरी भी तैयार है। ठीक है भैया।